السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیو، بزرگو، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مضمون میں، جس مجلس میں، جس عنوان کے تحت ہم جمع ہیں، وہ نکاح ہے. نکاح کہتے ہیں دو ایسے افراد کا جوڑ جن کو شرعی اعتبار سے بہت ساری باتوں کے درمیان اتحاد دیکھ کر ایک نظام ایجاب و قبول کا دو گواہوں کی موجودگی میں کرایا جاتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں. چنانچہ تمام فقہا لکھتے ہیں، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، اس کو نکاح کہا جاتا ہے. لیکن اس نکاح کو ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایسے مشکل سے مشکل تر بنا دیا. نکاح جس وقت کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ نکاح ہمارے تصور میں آتا ہے. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں نکاح انتہائی آسان ہوا کرتا تھا، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں نکاح کو انتہائی سہل بنا کر پیش فرمایا. اتنا سہل فرمایا، حضور کی خدمت میں صحابہ آتے تھے اور آ کر نکاح کے سلسلے میں اپنا ارادہ ظاہر کرتے تھے. حضور، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اريد ان اتزوج یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مجمع میں اعلان کرتے، بھئی یہ بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو اس کو لڑکی دینے کو تیار ہو؟ مجمع میں کوئی کہتے کہ ہاں میں تیار ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو بھیجتے، جاؤ جا کر تمہاری بچی سے پوچھ لیا کرو کیا وہ تیار ہیں. ہاں تیار ہیں، تو آپ علیہ السلام مہر متعین فرماتے، ان کی وسعت کے مطابق نکاح پڑھا دیتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے، صاف روایتوں میں موجود ہیں، صحابی آئے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بھائی نکاح کرنے کے لیے تیرے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگے، ما عندی الا ازاری یا رسول اللہ، حضور میرے پاس پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
आपने फरमाया अच्छा जाओ, जाकर कोई लोहे की अंगूठी तलाश करो। फल्तमिस खातमन मिन हदीदी, वो गए जाकर तलाश किया। तलाश करने के बाद आकर इत्तला दी, हुजूर मुझे अंगूठी नहीं मिली। हुजूर दोबारा भेजे, जाओ भाई जाओ, जाकर फिर तलाश करो। आप अलैहिस्सलाम के कहने पर दोबारा गए, तलाश किए, फिर आए, कहने लगे हुजूर नहीं मिली। आपने फरमाया दोबारा जाइए तलाश कीजिए। फिर सहबारा गए, तलाश किए, वापस आए, कहने लगे कि नहीं मिली। आपने कहा अच्छा भाई कुरान पाक याद है आपको? फरमाया याद है। अपने बेगम को पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाऊँगा। इसी को मेहर बनाकर आपने निकाह पढ़ा दिया। अब अंदाज़ा लगाइए कितना आसान हुजूर ने निकाह का निज़ाम बनाया। और उस वक्त उलमा लिखते हैं अरबी इसके पास कुछ नहीं है, आखिर आप अलैहिस्सलाम किस बुनियाद पर निकाह कराए, क्या बुनियाद, कौन सी चीज़? जबकि आपका मशहूर इरशाद है, फरमाया या माशर शबाब मनिस्तता अमिन को मुलबा अतफल या तजवज, ए नौजवानों जो तुम में से अखराजात की कुव्वत रखता हो, अखराजात की ताकत रखता हो, अखराजात की हैसियत रखता हो, अखराजात की हिम्मत रखता हो, उसे चाहिए कि वो निकाह करे। शर्त लगाई आपने, मनिस्तता अमिन को मुलबा अतफल या तजवज, अगर तुम्हारे पास बा है, इस्तेदाद है बा की, तो तुम शादी करो। उलमा कहते हैं इसका मतलब क्या है? एक तो ये है मेहर अपनी जात से अदा करने की कुव्वत रखना, नंबर दो बीवी के अखराजात को संभालना, नंबर तीन जिंदगी के तकाजों को पूरा करना, जो भी इस दीवाजी जिंदगी के तकाजे हैं, ये हैं मुराद बा से। आपने फरमाया मनिस्तता अमिन को मुलबा अतफल या तजवज। अब सवाल पैदा हुआ, यहाँ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर उस बा के बारे में दरियाफ्त किए के, जबकि आपने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया सिवाय ड्रेस के कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी आपने निकाह कैसे करा दिया? सवाल पैदा होता है। तदबीक देते हुए मुहद्दिसीन कहते हैं पहली बात तो ये है, आपने जो पहले मर्तबा कहा जाओ जाकर तलाश करो, जब उन्होंने तलाश किया आपने देखा ये मेहनती है कि नहीं है, ये मेहनती है कि नहीं है, आपने ये देखा, इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया। सेकेंड टाइम आपने भेजा जाओ भाई जाओ तलाश करो, तो मेहनत पर इस्तेकामत है कि नहीं है ये देखने के लिए। थर्ड टाइम आपने कहा जाओ जाकर तलाश करो, ये गीरतमंद है कि नहीं है। जब तीनों चीजें आपने देख लिए, ये मेहनती भी है, जफाकश भी है, गीरतमंद है, तो तब आपने फरमाया ये अपनी बीवी को रुस्वा होने नहीं देगा, ये अपनी बीवी को हर हाल में संभालेगा, ये अपनी बीवी को हर हाल में निभाएगा, ये अपनी बीवी के तमाम तकाजों को पूरा करेगा, ये अपनी बीवी को भूखा नहीं सुलाएगा। इस बात का आपने जब टेस्ट ले लिया, तीन मर्तबा भेजकर आप फेस रीडिंग कर रहे थे, फेस रीडिंग चेहरा पढ़ रहे थे कि ये जब जब कोई सोमारी होता है पहली बार आप भेजिए, फिर उसी जगह पर दूसरी बार भेजिए, तीसरी बार भेजिए, उसका चेहरा बदल जाएगा। क्या मतलब? सुस्ती का इजहार करेगा, बेजारगी का इजहार करेगा, चेहरा देखकर समझ जाएगा ये सोमारी है, घर में बैठकर खाने की आदत है, ये फुगट के माल में जीने की आदत है, इसके अंदर मेहनत की खसलत नहीं है, फितरत नहीं है, आदत नहीं है। तब ऐसे इंसान को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरगिज अक़्दे निकाह की इजाज़त नहीं देते थे। आपने भेज कर तीन मरतबा टेस्ट लेने के बाद आपने निकाह पढ़ाया। ऐसे ही नहीं हदीस, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कमाना माल, माल की शर्त सिर्फ मर्द को लगाई गई है, मर्द को, औरत के बारे में माल की शर्त एक जरा बराबर भी आप दिखा नहीं सकते शरीयत के मुताहरा के किसी गोशे में कि औरत के लिए माल की शर्त लगाई गई हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं, पहला तो काम यह है कि हम लोग निकाह के सिलसिले में ये बात समझे, निकाह में सिर्फ एक फर्ज है,
ये एक वाजिब है और ये एक सुन्नत है। तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़ ये है कि मियां बीवी ये दोनों आपस में ईजाब व कबूल करना दो गवाहों की मौजूदगी में, जैसे कि मैंने बताया, ये फ़र्ज़ है। हर हाल में ये अमल होना चाहिए, ईजाब व कबूल वाला अमल। दूसरा वाजिब क्या है? लुजूम महरी, महर की अदायगी वाजिब है। महर अदा करना, एक है महरे मिसल, एक है महरे फातिमी, एक है महरे इस्तेताद। महरे मिसल यानी ख़ानदानी एतबार से क्या महर अदा करने के तुम आदी हो, तुम्हारे ख़ानदान में कितना महर अदा करने के आदी हैं, सिलसिला ब सिलसिला। जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 400 दिरहम तमाम बीवियों को अदा किया, 400 दिरहम आपकी महर है वो। और ये महरे फातिमी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आपने महर मुतय्यन किया, ये किलो 530 ग्राम चांदी, ये किलो 530 ग्राम चांदी, ये महरे फातिमी कहलाई जाती है, जिसको आपने हज़रत फातिमा के लिए तय किया था। ये अब तो चांदी की कीमत बढ़ गई, जब हमारा निकाह हुआ था उस वक्त 12,500 रुपये में ये किलो 530 ग्राम चांदी आ गई थी। ये किलो 530 ग्राम चांदी 12,500 में आ गई थी। 2,000 की बात कर रहा हूँ मैं, भाई अब तो चांदी की कीमत बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई। तो ये हिसाब, उसकी कीमत के बराबर सोना, उसकी कीमत के बराबर, ये महरे फातिमी है। और महरे इस्तेताद, वे आप कितना दे सकते हैं नकद, मैं इतना दे सकता हूँ, कम से कम कितना होना चाहिए, 10 दिरहम से ज़ाइद, 30 पर 3 ग्राम चांदी से ज़ाइद होना, ये महरे अदना दर्जे का महर है, इससे कम महर नहीं हुआ करता, उससे ज़ाइद महर आप जो चाहे तय करें, ये महर महर इस्तेताद है। और महर नकद अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बुरी आदत पड़ गई है, वो आदत क्या? दावत नकद, महर उधार। ये ऐसे ही हुआ, फ़र्ज़ बाद में पढ़ेंगे, सुन्नत पहले पढ़ लेंगे। अल्लाह के बंदो, फ़र्ज़ बाद में पढ़ लीजिए, फ़र्ज़ बाद में पढ़ना कह रहे तो भाई ये तो नमाज का वक्त चला गया, तो गुनाह कबीरा है, फ़र्ज़ बाद में नहीं। इसीलिए उलमा ने फरमाया महर की अदायगी नकद होनी चाहिए, नकद अदा करो महर। और फिर भाई दावत वलीमा अपनी ताकत के एतबार से, अपनी उसात के एतबार से, अपनी हिम्मत के एतबार से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वलीमे की दावत बाज़ मरतबा ऐसे भी किए हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा से, भाई आप लोगों के पास कुछ है, कहाँ है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, एक काम करो, सब दस्तरखान बिछाया गया, कहा जो जो तुम लोगों के पास है लाकर डालो। डालने के बाद आपने कहा वलीमे की नीयत से नोश फरमाइए। चीज़ें सहाबा की, हुकुम आपका, चीज़ें सहाबा की, हुकुम आपका। तो पता क्या चला? सुन्नत की सुन्नत ये है कि जितनी ताकत जितनी हिम्मत उससे बढ़कर नहीं। उलमा ने लिखा है कर्ज लेकर वलीमा ना करें, रहन रखकर वलीमा ना करें, घर बेचकर या नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक यहाँ वहाँ से ऐसे कर्ज लेकर जिसकी अदायगी में ज़िंदगी खप जाए, ज़िंदगी तबाह हो जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इस तरह का वलीमा करना कतान नाजायज़ है। आपकी हिम्मत नहीं है छोड़ दीजिए, कोई हरज नहीं, वलीमा करना फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, सुन्नत की सुन्नत ये है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हाँ, अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ लखपति सहाबी थे, लखपति सहाबी, मालदार सहाबी, आपने उनसे फरमाया था औलिम बनो बिशातिन, अब्दुर्रहमान तुम भी आम सहाबा की तरह वलीमा नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता। ये आम सहाबा गरीब हैं, वो वलीमा नहीं किए छोड़ो, लेकिन आप तो मालदार हैं अब्दुर्रहमान, तुम भी वलीमा नहीं करते, क्या क्या करो? हुजूर का भाई एक बकरी तो सही भाई, वलीमा करो। और अरबों में एक बकरी 5 लोगों के लिए जुबा की जाती थी, 5 से 10 गोया आपका इशारा इस बात का था कि 5 से 10 लोगों को जमा करो, उनको दावत कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 लोगों को जमा करके हुक्म दिया, तो आपने दावत फरमा दी।
हाँ अलबत्ता मैं याद करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का निकाह जब हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से हुआ तो उस निकाह का ऐलान का हुक्म दिया गया, इसलिए कि वो ज़व्वजना कहा, वो निकाह हुआ आसमान में ज़मीन में नहीं, आसमान में जो निकाह अल्लाह ने कराया उससे जो मुँह बोला बेटे की बीवी थी, मुँह बोला बेटा, अल्लाह को ये समझाना था कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हुआ करता, उसकी बीवी हकीकी बहू नहीं हुआ करती, उससे निकाह की इजाज़त है, वो निकाह अल्लाह ने आसमान में कराया, वलीमा आपने दुनिया में किया, और उस वलीमे को अल्लाह ने जब निकाह का ऐलान करने को कहा, अरबों में उस निकाह का ऐलान ज़्यादा होता था जिस निकाह में गोश्त रोटी बनाकर खिलाया जाए, तो आपने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के निकाह के वलीमे में गोश्त रोटी बनाकर सबको खिलाया ताकि इसका चर्चा परचा हो। अलगर्ज क़त्ते नज़र इन तमाम तफसीलात के इस वक्त हम लोग चंद बातों की तरफ तवज्जो देंगे, वो ये है कि निकाह के बाद असल जो पूंजी है वो है मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत। ये मोहब्बत के लिए क्या करें, पांच काम करें। सबसे पहला काम हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई आपस में सलाम का अहतमाम करो, आपस में सलाम का अहतमाम करो। ये नए दुल्हा दुल्हनों के लिए भी यही एडवाइस है, पुराने नौशों के लिए भी यही एडवाइस है। फार्मूला सबके लिए अलग अलग बदलता नहीं है, ये कुल्लियतन फार्मूला है, ये फार्मूला सबके लिए है, इस फार्मूले को सब अपनाएं। पहला काम कहा, अगर तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहते हो सलाम का अहतमाम करो। हुजूर ये नुस्खे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम, सलाम से नफ़रतें ख़त्म होती हैं, अदावतें ख़त्म होती हैं, दूरियां ख़त्म होती हैं, सलाम से किब्र ख़त्म होता है, इताअत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, कुर्बत पैदा होती है, इसलिए आपने फरमाया सलाम का अहतमाम करो। मियां बीवी को सलाम, बीवी मियां को सलाम, ससुराल वालों को सलाम, ससुराल वाले यहाँ को भी आपस में समदीन समदीन को सलाम। आपस का जब रिश्ता बाकी रखना चाहते हो सलाम का अहतमाम करो, रिश्ता बाकी रहेगा हमेशा, नफ़रतें कभी नहीं होंगी। सलाम से दरगुजर का मादा पैदा होता है, पहला काम सलाम। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जब 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 निकाह हो जाए, बीवी से मुलाकात के लिए जब जाओ तो वजू के साथ जाना, वजू के साथ, और बेगम से भी कहना तुम भी बावजू रहो, तुम भी बावजू रहो। जब दाखिल हो फरमाया पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो सलाम कैसा होना चाहिए, मवद्दतों वाला, रहमतों वाला, उल्फतों वाला, शफ़क़तों वाला, निस्बतों वाला, आफियतों वाला, ताल्लुकों वाला सलाम होना चाहिए। वो सलाम की कशिश अजीब होती है, अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह मेरा सलाम दिल को दिल में उतार दे, और उतारने वाली जात तो अल्लाह की है। धमाकेदार सलाम नहीं करना, जाते ही बस लोगों को देख बस अन्नाडी लोग नसीहत करते हैं, द फर्स्ट अटैक इज द बेस्ट अटैक, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, तो लोग क्या करते हैं, दबा को सलाम करो, पहले सलाम में तुम्हारा रोब बैठ जाना। ये कोई तरीका है भाई, यहाँ क्या रोबदारी झाड़ने के लिए जा रहे हैं, वे आप मोहब्बत जाहिर करने के लिए जा रहे हैं, आप निस्बत जोड़ने के लिए जा रहे हैं, ताल्लुक पैदा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका सलाम धमाकेदार नहीं बल्कि ऐसा सलाम हो जिस सलाम में प्याम हो, जिस सलाम में उनसीयत हो। अब सलाम हो गया, सलाम के बाद बेगम की नज़र जिस वक्त पहली मर्तबा चेहरे पर पड़े, फरमाया चेहरा इस्तकबाली वाला, वेलकम फेस, उसे कहते हैं क्या फेस, वेलकम फेस। वेलकम, वेलकम करने के लिए कैसे लोगों खड़ा करते हैं, वेलकम करने के लिए गुस्से वालों खड़ा करते हैं, वेलकम करने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, उनका चेहरा देखते ही सफ़र का थकान दूर हो जाए, अरे आइए आइए ऐसा मुस्कुराकर वो लोग वेलकम करते हैं, आप सफ़र का थकान भूल जाएंगे उनके वेलकम को देखकर। तो वेलकम फेस हो। आप जिस वक्त
پہنچ جائیں, دو مسلح بچھائے جائے, ایک مسلح آگے ایک مسلح پیچھے, پیچھے کے مسلح میں بیگم کو کھڑا کرو. زندگی تمہاری ازدواجی شروع ہو رہی ہے تو اس زندگی کو نماز سے شروع کرو. یہ بتایا بزرگوں نے, حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ترغیب دیتے تھے کہ نماز سے زندگی شروع کرو, باتوں سے نہیں, نماز سے. سلام کر دیے بس, اونلی سلام نو کلام, بات چیت نہیں. مسلح بچی کو سمجھا دے, بیٹی تجھے پیچھے کھڑنی ہے اور جناب آپ آگے کھڑی ہے. اگر وہ اقامت کہہ سکتے ہو تو کہیں, نہیں تو نیت کرے یا اللہ پوری زندگی تابع اس امام کے گزارنے کی توفیق عطا ہو. اس لیے کہ امام شوہر بنے گا اور مقتدیہ بیوی بنے گی. اللہ رسول کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت فرض ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں جنت میں جانے کے لیے چار کام کریں بس, اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ. پنج وقتہ نماز کا اہتمام, روزے کا اہتمام, شوہر کی اطاعت, شوہر کی محبت, شوہر کی بات مان کر چلنے والا مزاج اگر پیدا کر لے, نمبر چار عزت و آبرو کی حفاظت کر لے, وہ جنت میں چلی جائے. چار ہی فرائض, نارمل عورتوں پر چار فرضے ہیں, اس چار فرضوں میں تیسرا فرض کون سا, شوہر کی بات ماننا. ایک خیر ہو گیا, اب دو رکعت. یہ نیت کریں اللہ اس دیواجی زندگی کے تمام حقوق تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما, دو رکعت نماز پڑھ دیں. میاں بیوی امامت کریں, شوہر امامت بیوی مقتدیہ, جو ہی دو رکعت ختم ہو جائیں مسلح اٹھا کر پیچھے بچھائیے اور بچھا کر کہیے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو, میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو. اس وقت کی دعا ذرا تصور کیجئے, میاں بیوی زندگی کے پہلے مرحلے پر اللہ کی عبادت کے ساتھ و ساتھ ایاک نعبدو ہو گیا, عربی نماز کے ذریعے سے ایاک نعبدو ہوا, اب وہ ایاک نستعین, یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دعا کیجئے اللہ اس وقت کی دعا یقیناً قبول کرے گا. فرمایا اپنی زندگی میں کبھی فجر کی نماز قضا نہ کریں, قضا کرو گے نافرمان اولاد پیدا ہوں گے, اہتمام کرو گے فرما بردار اولاد پیدا ہوں گے, اور تہجد کا اگر اہتمام ہو گیا فرمایا نسلوں میں اولیاء پیدا ہوں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ. دوسرا کام کیا ہے سلام کے بعد, فرمایا ہدیہ. بیوی خود ہدیہ بن کر ہمارے خاندان کو آ گئی, گھر کو آ گئی, اور ہمارا ہدیہ کیا, سب سے پہلا ہدیہ عزت دینا سیکھو. یو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ, جتنا عزت دو گے اپنی بیوی کو خاندان والی اتنی عزت دیں گے. تو ہم عزت دینا سیکھیں. نمبر تین کیا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے, فرمایا حضرت تھانوی نے, تو ایک تو یہ ہے ہدیے کے طور پر, تو دوسرے نمبر پر جیسا کہا عزت دے, اور ہدیے کے طور پر ماہانہ اپنے بیگم کے لیے, جیسے شادی کے شروع میں تو روزانہ کوئی نہ کوئی گفٹ آتے رہتا ہے شوہر کی طرف سے, چاکلیٹ کی شکل میں, بسکٹ کی شکل میں, شیخ کی شکل میں, پھول کی شکل میں, پاؤڈر کی شکل میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خالی ہاتھ کبھی نہیں آنا, شادی کی ابتدا میں آپ اپنی غربت کا اظہار نہ کریں, اپنے فخر کا اظہار نہ کریں, اپنی مسکنت کا اظہار نہ کریں. ساری شادی کے شروع میں سخاوت, پھر ون ڈے گیپ دے, پھر ٹو ڈے گیپ دے, پھر تھری ڈے گیپ دے, پھر فور ڈے گیپ دے, پھر ویکلی ونس, چلتے چلتے جب پرانے بنو گے منکی ونس کو گفٹ آ جائے گا, چلتے چلتے منکی ونس کو آ جائے گا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا منکلی ونس بیوی کے لیے جیب کا خرچہ دینا یہ اصول شرع میں سے ہے. یہ تمام پرانے شوہر جو بھی اب تک نہیں دیے وہ قضا کریں, اصول شرع. یہ تمہارے ایک صاحب, میں روزانہ گفٹ لے لگ جاتا ہوں حضرت, کیا جی کہتے ہو, دودھ کے پیکٹ ابھی, کھتمیر کے کٹے ابھی, پودینے کے کٹے, یہ بھاجی کے کٹے, یہ سب گفٹ ہیں کیا, وہ گفٹ ہیں کیا بھائی, وہ تو کچن روم کی چیزیں ہیں, وہ تو گفٹ ہی کہا جاتا. تو آپ بیگم کے لیے ان کے لیے 500 روپے سے ہی, یہ تمہارے پاکٹ خرچے کے لیے ہے, یہ دینا یہ نظام میں اس دیواجی کو منظم رکھتا ہے ہمیشہ. دوسری تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا.
बीवी के हक में आप दुआ करें, शौहर के हक में वो दुआ करें। पीठ के पीछे जो दुआ की जाती है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। वो जब काम को जाते हैं शौहर, आप घर में दो रकात नमाज पढ़कर दुआ करें। जब बीवी आप घर में रहती हैं, आप नमाज पढ़ते हैं ज़ोहर असर मगरिब बाहर के हिस्से में, तो बाहर जब नमाज पढ़ें आप अपने बेगम के लिए भी दुआ करें। जैसे वालिदैन के लिए हम दुआ करते हैं, बेगम के लिए भी दुआ करें। तो दुआ पीठ के पीछे ज़रूर कबूल होती है। चौथी चीज़ क्या है? फरमाया तारीफ किया करें। क्या क्या करें? कब देखो क्या जी चाले लगाए सो, क्या जी है, क्या जी वो खाली सूरत चुड़ा ले को रहे, जिंदगी में नफरतें पैदा हो जाएंगी। औरतों को सबसे ज्यादा पसंद उनकी तारीफ। तारीफ क्या करें, तारीफ क्या करें। हदीसे पाक में है, दिलों को मियां बीवी के दिल में जगह पकड़ने के लिए, बीवी मियां के दिल में जगह पकड़ने के लिए सलासु कज़िबति लैस बिकज़्बी, हदीस मिश्कात की रिवायत है, तीन झूठ, तीन जगह पर झूठ बोलना झूठ नहीं। उसमें ये क्या है? बीवी के दिल में जगह पकड़ने के लिए शौहर का झूठ बोलना। क्या तुम्हें आज बहुत नूरानी दिख रही ना, पुराने शौहरा जाको बोले, अब पुराने बेगमा जाको चेहरा हम लोग नूरानी दिख रू में आईने के सामने खड़को दिखती, क्या नूर नजर आगा सो इनको। जब तुम्हें तारीफ करती तब हंसना नहीं, हंसे तुम्हारी गिरफ्तार, हंसना नहीं, सीरियसली तारीफ करना करो। अब वो बिचारी को कहो शायद तुम्हें जिक्र करे होंगे जी, आज तुम्हें तिलावत करे होंगे, आज तुम्हें तहज्जुद पढ़े होंगे, आज तुम्हें नमाजों का अहतमाम कर, इसीलिए आपके चेहरे पर नूर। तो इंशाल्लाह आपका यूं ही कहना हकीकी नूर को पैदा करने का सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। वो तारीफ है। एक साहब कहने लगे मेरी औरत नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाजी कैसे बनाऊँ। बुजुर्ग ने कहा तू तेरी बीवी तू हमेशा टोकता मत रहे, आजकल हमारे यहाँ टोकना किसी को ही सो हमें खाली टोकते रहती। नहीं कभी तारीफ भी करो, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या भाई तुम्हारी वजह से मेरा घर जन्नत बन गया। वो कैसा? देखो इबादत का माहौल बना। आप जो ही तारीफ करेंगे तो वो बेनमाजी खातून भी नमाजी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो एक तो ये है तारीफ। पांचवी चीज़ जो सबसे अहम है वो है कि हम उनके वयूब को छुपाएँ, वो हमारे वयूब को छुपाएँ। तो कुरान पाक का नुस्खा है हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। इंशाल्लाह अगर इस पर अमल होगा अल्लाह ज़रूर इस दिवाली ज़िंदगी की खुशियों से अल्लाह ताला हमेशा हमें नवाजेगा, हर तरह के खैर मुकद्दर करेगा और हर तरह के शर से अल्लाह ताला बचाएगा। फिर देखेंगे हम कि ये जोड़ा हमारी इस दिवाली ज़िंदगी का जोड़ा इलाके के लिए ख़ानदान के लिए मिसाली जोड़ा बनेगा। लोग मिसाल देंगे मियां बीवी हो तो ऐसे करेंगे इंशाल्लाह भाई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व